वायनाड की तबाही में मौत का आंकड़ा 158 तक पहुंचा। गृह मंत्री अमित शाह बोले, केरल को पहले ही दी गई थी चेतावनी, भारत के पास 7 दिन पूर्वानुमान की क्षमता। जाति पूछने वाले बयान पर सियासी संग्राम, कांग्रेस और विपक्ष ने अनुराग ठाकुर से माफी की मांग, तो केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू और गिरिराज सिंह से लेकर बीजेपी ने विपक्ष पर खोला मोर्चा। राज्यसभा में बजट पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिया जवाब, कहा 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य, ग्लोबल जीडीपी में 15% भारत की हिस्सेदारी। पूजा खेडकर के खिलाफ यूपीएससी का सख्त एक्शन, ट्रेनी आईएएस की दावेदारी खत्म, भविष्य में सभी परीक्षाओं में बैठने से भी रोक। बिहार के सुपौल में तीसरी कक्षा के छात्र ने चौथी कक्षा के छात्र को गोली मारी, स्कूल बैग में पिस्तौल लेकर पहुंचा था आरोपी, प्रार्थना के समय वारदात को दिया अंजाम।